जबलपुर के गोहलपुर पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद में कार्रवाई की गई है। सूचीपुरा मोहल्ला में पंकज मल्लाहा अपने घर में आईपीएल के मैच में हार जीत का दाव लगवा रहा था, यानी सट्टा खिलवा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश दी गई है। तीन व्यक्ति कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे आईपीएल का टूर्नामेंट, तो वहीं पंकज मल्लाहा, राहुल सोनी, आकाश सिंह ठाकुर यहां गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से फिलिप्स कंपनी के टीवी, माई रिमोट के साथ में इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और रजिस्टर, जिसमें लाखों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। वहीं वीवो कंपनी के मोबाइल, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, एमआई कंपनी का मोबाइल, इंडेक्स कंपनी का मोबाइल और इसके अलावा अन्य मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। वहीं इनसे कुछ राशि भी जब्त हुई है, 1,250 रुपये पुलिस ने जब्त किए हैं। जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हाँ, कल रात्रि में थाना गोहलपुर में एक आईपीएल सट्टा पकड़ा है, जिसमें एक फिलिप्स टीवी, एक लैपटॉप, 12 मोबाइल, 1,250 रुपये नकद, 2 रजिस्टर पकड़े हैं। इसमें 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। चूँकि ये एक पंकज मल्ला है जो किराए के मकान दिए था, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ में राहुल सोनी और आकाश ठाकुर, ये दोनों हरदौल मंदिर छोटा फुआरा के पास के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध धारा 3/4 और 4 का सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। चूँकि अभी पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा साहब ने आईपीएल का मैच चल रहा है, तो सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसी परिपालन में, क्योंकि हमारे थाना क्षेत्र में ये पहले से ही मुखबिर लगी हुई थी कि आईपीएल का सट्टा जो प्रारंभ होगा तो इसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी चारों तरफ आईपीएल की जो मैचेस चल रहे हैं, तो लोग इसमें चोरी छुपे मोबाइल के माध्यम से और टीवी, लैपटॉप के माध्यम से सट्टा खिलाते हैं। ये कार्रवाई थाना गोलपुर के पुलिस की टीम, जिसमें एसआई महेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक राघवेंद्र, आरक्षक आशीष अजाटी, आरक्षक आशीष अंद्रेश और मनीष तथा अंकुर के द्वारा संचालित की गई है।